नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेश्वर। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश यही होती है कि आपके दिन की प्लानिंग कैसे रहे बेहतर, इसके लिए हम लेकर आते हैं आपका राशिफल, बताते हैं आपको कहां पर रहना है आपको फोकस, कहां पर रहना है आपको अलर्ट। साथ ही साथ हम चर्चा करते हैं एक खास विषय पर, और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गाय की उपासना करके, गाय की सेवा करके लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गणपति। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें और जानें सबसे पहले कार्यक्रम में आज का पंचांग क्या है। संवत 2076 माह अश्वनी कृष्ण पक्ष है, तिथि पंचमी है, सायंकाल 7:29 तक, इसके उपरांत षष्ठी लग जाएगी। वार गुरुवार है, योग हर्षण योग है रात में 11:26 तक, इसके उपरांत वज्र योग लग जाएगा। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे 3:11 तक, इसके उपरांत वो वृष राशि में चले जाएंगे। नक्षत्र भरणी नक्षत्र है, प्रातःकाल 8:45 तक, इसके उपरांत कृतिका नक्षत्र लग जाएगा। राहु काल 1:30 से लेकर 3 तक रहेगा। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, ना कोई टोकन मनी किसी को देनी है। दिशाशूल दक्षिण दिशा, तो आज दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दिशाशूल में सबसे नेगेटिव यह है कि आज आप दक्षिण दिशा की ओर जाएं, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और अगर फिर भी कोई इमरजेंसी है, नहीं टाल पा रहे हैं, तो दही का कोई भी पेय पदार्थ, लस्सी आप पी के जा सकते हैं। तो ये था आज का पंचांग। अब दर्शकों वक्त हो चला है आज के राशिफल का, तो आइए जानते हैं शशि जी से पहली 6 राशियों का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए फोकस है। जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। यदि मन में किसी प्रकार की कोई गिल्ट है, तो आज उसे अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। अलर्ट रहना है कि खेल से जुड़े हुए लोगों को निराशा हाथ लग सकती है। वृष राशि वालों के लिए फोकस है कि आज ऑफिस में आपको काफी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आज कोई काम कुछ ज्यादा हो सकता है और बॉस की निगाह भी आप पर रहेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर झुंझलाहट हो सकती है, तो अपने स्वभाव को कंट्रोल करके रखिएगा। अलर्ट रहना है, पेट से संबंधित कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए फोकस है। ऑफिस में किसी के ना होने पर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस मौके को आप अच्छे से भुनाइए और अपना अच्छा प्रदर्शन करिए। ऑफिस में सहकर्मियों को कुछ आपको सहयोग करना पड़ सकता है। अलर्ट रहना है, दिल की बीमारी अगर है तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर चेकअप कराते रहिए। कर्क राशि वालों के लिए फोकस है। अगर आप बहुत दिनों से अपने ट्रांसफर के लिए परेशान हैं, तो अब समय आ गया है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। किसी मित्र के यहाँ अगर किसी फंक्शन में जाना है तो अवश्य जाइए, इसको टालने की कोई आवश्यकता नहीं। अलर्ट है, घर के अंदर गिरकर चोट लगने की आशंका। सिंह राशि वालों के लिए फोकस है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। जो लोग नया कारोबार डालना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत शुभ है। वैसे आज का दिन खरीदारी करने पर केंद्रित करना चाहिए, महत्वपूर्ण चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं। अलर्ट रहना है, जेब में रखा धन संभाल कर रखें, अन्यथा गिर सकता है या चोरी हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए फोकस है। काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अकाउंट से संबंधित कार्य करने वालों के लिए आज का दिन शुभ है। अलर्ट रहना है कि घर की शांति भंग ना हो, इसलिए ऊंचे स्वर में बात करके माहौल को गर्म ना करें। तो ये था पहली 6 राशियों का राशिफल। कहां पर रहना है फोकस, कहां पर रहना है आपको अलर्ट, ये हमने जाना। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में खास विषय पर चर्चा करने का, और आज हम शशि जी से जानेंगे कि गाय की उपासना करके आप कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप पितृ दोष को भी दूर कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में पशु पूजन का विशेष महत्व, और खास तौर से गौ का तो विशेष ही महत्व है। गौ केवल पशु नहीं है, यह भारत की संस्कृति है। भगवान विष्णु क्षीर सागर पर लेटे हैं, यानी
दूध का सागर और ये दूध गाय का है। ये बताता है कि पुष्ट होने के लिए गाय के दूध की आवश्यकता होती है। समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से 5 लोगों की मात्र स्वरूपा 5 गायें उत्पन्न हुई। उनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये सभी गायें समस्त लोगों के लिए प्रकट हुई थी। इसका तात्पर्य यह है कि गाय अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। गाय का समुदाय जहां बैठ जाए और निर्भीकतापूर्ण सांस ले, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है, वहां पर सारे पापों को खींच लेती है। इसीलिए जिन घरों के बाहर गाय बैठती हैं द्वार पे, वो घर बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। जो गाय हैं वो स्वर्ग की सीढ़ी हैं। गाय स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गाय समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं। गाय की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देने वाली है। गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी, इन पंचकव्यों का पान करने से शरीर के भीतर पापों का नाश होता है, शरीर स्वस्थ होता है। इसीलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन जो गौ का दूध, घी, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रवों में श्रेष्ठ एवं शुभ एवं प्रिय हैं। ये देव प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण बाल जीवन में गौ सेवा में ही बिताया। उन्होंने स्वयं वनों में घूम घूम कर गायों को चराया। इसी से उनका नाम गोपाल पड़ा था। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी गाय का रक्षण एवं पालन जनहितकारी है। कई संक्रामक रोगों को गाय के स्पर्श करती हुई वायु स्वतः ही ठीक कर देती है। कुछ गाय को स्पर्श करने से ठीक हो जाते हैं। गाय का दान महादान बताया गया है। मान्यता है कि गाय की पूंछ पकड़कर व्यक्ति भवसागर पार कर जाता है, यानी गाय का अनुसरण करते हुए, उनकी सेवा करते हुए व्यक्ति उन्नति प्राप्त करता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय को प्रसन्न करना होता है। और गाय को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ज्योतिष में कई तरह के उपाय बताए गए हैं, जिनमें दान, धर्म, जाप आदि शामिल है। लेकिन महापापों की जब बात आती है, तो उनको शांत करने के लिए, उनके प्रायश्चित करने की जब बात आती है, तो गौदान महादान बताया गया। गौदान की महिमा बताई गई है। गाय का दान गंगा तट पर किया जाता है और कहते हैं कि गंगा तट पर गाय का दान करने से जन्मों जन्म के पापों का शमन हो जाता है। अगर आप गाय नहीं दान कर पाते हैं तो गौ सेवा करिए। जिन लोगों के भी पितृदोष है, एक्यूट पितृदोष है, तो मेरी राय है कि गंगा तट पर इस पितृपक्ष में गाय का दान करिए, इस सबसे अच्छा है। अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है तो गौ सेवा प्रारंभ कर दीजिए नियमित रूप से। केवल पितृपक्ष नहीं, आजीवन के लिए कर लीजिए। गौशाला में अपनी आय का कुछ धन भेजिए, ताकि सहयोग करिए, ताकि गायों की सेवा हो सके। प्रत्यक्ष ना कर पा रहे हैं तो अप्रत्यक्ष सही। आज के परिप्रेक्ष्य में गौओं को प्लास्टिक खाने से रोकना है। इसके लिए प्लास्टिक में कोई भी खाने वाली चीज़ फेंकनी नहीं होती है। वैसे अब तो ये प्लास्टिक प्रतिबंधित भी है। दरवाजे पर बैठी गाय को कभी भी धुतकारना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखिए कि जिन लोगों के पितृदोष है, वैसे तो किसी को नहीं, लेकिन जिनके भी पितृदोष है, एक्यूट पितृदोष है, और अगर गाय उनके दरवाजे पर आकर बैठ गई है, तो समझ लीजिए कि परमात्मा जो है उसका कुछ उपाय आपको कर रहे हैं। वो एक पॉजिटिव चीज़ वो कर रहे हैं कि अब आप धीरे धीरे ठीक हो सकती है, तो अब आप उसको धुतकार देंगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तो ये तो सौभाग्य को धुतकारना होगा। तो ये जो गाय अगर बैठी है, ये आपका भाग्य है जो आपके दरवाजे पर आया है। गाय पालने वालों के लिए खास बात क्या है कि वो गाय को दूह कर छोड़े नहीं। कई लोग हैं कि गाय पालते हैं, सुबह गाय दूह ली, उसके बाद सड़क में छोड़ दिया, अब वो गाय इधर उधर अपना खा रही है। ऐसा कतई नहीं करना है। वो माँ है आपकी, आप उनको रखिए, उनको खिलाइए और वो आपको दूध देंगी। एक दर्शकों एक अजीब विडंबना है कि देसी शब्द, एक शब्द है देसी, देसी को लोगों ने लोकल समझ लिया है।
ये बहुत गलत है। देसी गाय और देसी घी बहुत ही दिव्य है, इसकी वैल्यू समझिए। जो अपने देश में है, जो देशी है, उसकी वैल्यू को समझना होगा। गाय के रंग पर भी कई तरीके की बातें हैं कि गाय के रंग के अनुसार ज्योतिष में उपाय भी होते हैं, क्योंकि गाय हम लोगों के कई तरीके की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में काम आती हैं। जब कुछ गलत हो जाता है, कुछ पाप हो जाते हैं, तो उनसे क्षमा मांगी जाती है। अब वो रंग कौन कौन से हैं इनको समझ लेते हैं। शनि, राहु, केतु अगर गड़बड़ है तो चितकबरी यानी मल्टी कलर वाली चितकबरी गाय या काली गायों को कुछ भोजन कराना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। गर्मी में अगर आपके द्वार आ गई तो पानी पिलाना चाहिए। और सूर्य के लिए मैरून कलर की गाय होती है, वो अगर आ गई हैं तो आप उनको भोजन कराइए। गुड़ खिलाना सबसे अच्छा होता है, गाय के स्वास्थ्य के लिए गुड़ बहुत अच्छा होता है। इसलिए ऐसा कुछ व्यवस्था बना लीजिए कि अपने घर में गुड़ रख लीजिए, एक भेली गाय को खिलाइए, स्वास्थ्यवर्धक भी है, गाय माँ का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अब चंद्रमा को ठीक करने के लिए सफ़ेद गाय को खिलाना पिलाना चाहिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक विशेष है, ऐसा नहीं कि कोई और रंग की गाय आ गई तो अगर चंद्रमा के अलावा किसी मन या किसी और दिन आ गई तो आप खिला नहीं रहे, सबको खिलाना है। लेकिन एक विशेष उपाय अगर है तो वो सफ़ेद गाय को करना चाहिए। शुक्र के लिए भी आपको सफ़ेद गाय है, और बुध के लिए, बुध को प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन हरा चारा खिलाइए। और हरा चारा भी ऐसा दीजिए कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में उसका पेट भर जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात। गुरुवार के दिन गाय को भोजन कराने से जो भी डिप्रेशन है वो दूर हो जाता है। और डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन जीव गाय बहुत है। अगर आप बहुत उदास हैं और गाय के सामने बैठ जाएं, थोड़ी देर उनके सामने खड़े रहें, तो उसके औरे के अंदर आते ही आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है गाय, तो इसलिए गाय को प्रसन्न करने के लिए आपको उनको जितनी सेवा कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, वो बिल्कुल करिए। गौ माता का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। तो गाय बेहद पूजनीय है, उसकी सेवा करके आप बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि पितृ दोष का भी आप निवारण कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का दर्शकों, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे बाकी बची राशियों का राशिफल, साथ ही होंगे आपके सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जय गणपति। और अब चलिए वक्त है दर्शकों के सवालों का, लेकिन आपको बता दें आपका कोई सवाल, आपकी कोई समस्या, तो आप अपना सवाल और अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। तो आज का हमारा पहला सवाल है संदीप कुमार त्यागी का, डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1979, समय है दोपहर 2 बजे, जगह है मेरठ। सवाल है, मेरी नौकरी छूट गई है, कब तक लगेगी, कौन सा रत्न किस धातु में और किस उंगली में निर्धारण करना चाहिए। संदीप जी का प्रश्न है कि जॉब नहीं है, करियर को लेकर तनाव है, वृश्चिक लग्न है और तुला राशि, और कैरियर हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब है इस समय, जबकि अंतरिक्ष में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन 29 सितंबर के बाद कुछ आपको जॉब का कहीं से ऑफर मिलेगा, लेकिन आपको बहुत लो प्रोफाइल रह के रहना है, क्योंकि इस कुंडली में एक चीज़ ये समझनी है कि थोड़ा सा अपना स्वभावगत जो समस्याएं हैं उसको भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत तीखा बोलते हों या आप बहुत ज़्यादा प्रबंधन में क्रोध आ जाता हो, इस चीज़ों का ध्यान रखिए। और दूसरा आपका था कि नग कौन सा पहने, तो मुझे ऐसा आवश्यकता लगती नहीं है कि आपको कोई पहनना चाहिए, लेकिन अगर आप पहनना चाहते हैं तो एक मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं अनामिका में मंगलवार के दिन, तांबे में या सोने में। तो उम्मीद करते हैं संदीप जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, खास उपाय बताया है, कौन सा रत्न आपको धारण करना है ये भी आपको बताया है। अब वक्त हो चला है बाकी बची 6 राशियों का राशिफल जाने, तो जान लेते हैं कैसा रहेगा आज का आपका दिन। तुला राशि वालों के लिए फोकस है, कैरियर के क्षेत्र में आज का दिन बहुत अच्छा है, अपने काम को ईमानदारी के साथ करिए, आपको लाभ मिलेगा। यदि आप
कोई सामान बेचना चाहते हैं या भूमि बेचना चाहते हैं तो आज के दिन इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अलर्ट रहना है कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए फोकस है, यदि आपको कैरियर में कोई और एक्स्ट्रा कोर्स की आवश्यकता लग रही है कि कुछ और पढ़ाई करनी चाहिए तो इस ओर जा सकते हैं। माता पिता की सेवा मन लगाकर करिए, यदि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो उनको ला कर दीजिए, उसकी व्यवस्था कराइए। अलर्ट रहना है कि वाहन दुर्घटना होने की आशंका है तो थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाइए। धनु राशि वालों के लिए फोकस है, ऑफिस में काम को लेकर कुछ तनाव हो सकता है लेकिन यह राजकाज है, यह तनाव अपने घर तक कतई लेके न जाएं। छोटे भाई के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, यदि वह कोई नशा करता है तो उसको उचित सलाह दीजिए। अलर्ट रहना है कि जीवन साथी के साथ कुछ खटपट हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए फोकस है, ज्वेलरी का काम करने वालों के लिए आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, कोई टप्पेबाजी हो सकती है। आज घर जब जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ मीठा अवश्य लेकर जाएं। अलर्ट रहना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है और राय का पहाड़ ना बनाएं। कुंभ राशि वालों के लिए फोकस है, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से काम में मन नहीं लगेगा, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो रेस्ट करिए। घर में काम करने वाले सहयोगियों को लेकर तनाव हो सकता है। अलर्ट रहना है कि आज कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए फोकस है, मनुष्य का जन्म बहुत कीमती है, अधिक तनाव लेकर इसको खराब बिल्कुल ना करिए, मन प्रसन्न रखिए। संतान को लेकर कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अलर्ट रहना है, जमीन जायदाद के विवाद अदालत तक पहुंच सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो ये था बाकी बची 6 राशियों का राशिफल। अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। दूसरा सवाल है नेहा चौधरी का, डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1994, समय है शाम 6:40, जगह मवाना। सवाल है शादी कब तक होगी। नेहा जी का प्रश्न है विवाह कब तक होगा। कुंभ लग्न है और मेष राशि है, शनि का और सूर्य का जो प्रभाव है इससे देखिए इससे विवाह आपका थोड़ा विलंब है और अभी आपकी एज भी इतनी नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए और इस कुंडली के हिसाब से आपको करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस कुंडली में तभी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा जब आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। तो पहली प्रायोरिटी आप करियर को रखिए और अभी विवाह में थोड़ा सा विलंब है तो 2020 के बाद कुछ संभावनाएं बनती हैं और बाकी इसमें दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है लेकिन थोड़ा डिले है। तो ये था नेहा जी का सवाल का जवाब। अब वक्त हो चला है आज की काम की बात जानने का। आइए जानते हैं शशि जी से आज क्या अनमोल काम की बात वो बताने जा रहे हैं। दर्शकों, आज की बात गाय से ही जुड़ी हुई, हम लोग गाय पर ही आज बात कर रहे हैं, पितृदोष में कैसे शांत करें। एक बड़ी व्यवहारिक बात है, इसको आप सोचिए और इसको ठीक भी कर लीजिए कि घर में एक चीज़ नियम बना लीजिए कि जब भी रोटी बनेगी, तवा जब भी चढ़ेगा तो पहली रोटी जितनी आप खाते हैं उससे बड़ी या जितना तवा है उस साइज़ की रोटी बनेगी और वो रोटी गाय के लिए होगी। हो क्या रहा है कि रोटी हम लोग तो खाते हैं एक साइज़ की, जो गाय के लिए रोटी निकाली जा रही है वो बहुत छोटी निकाल दी जाती है, उसमें थोड़ी सी सब्जी रखी जाती है और गाय का जो डाइट है वो कई 100 गुना ज़्यादा है हमसे और हम लोग इसको गाय को देते हैं, प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। गौ माता तो आशीर्वाद देंगी, उनका स्वभाव है, माँ है वो, लेकिन अपना जो दायित्व है वो कम से कम उनको भरपेट ना सही क्योंकि उनका आहार बहुत है, प्रतिदिन हो सकता है ना खिला पाएं, लेकिन ये है कि जो रोटी कम से कम दें वो कम से कम तवे के साइज़ की तो हम लोग दे ही सकते हैं। इसका एक नियम बनाइए और इसको ध्यान रखिए और गौ माता को रोटी खिलाइए, बड़ी रोटी हो, थोड़ा सा जितना संभव हो ज़्यादा भोजन कराइए क्योंकि उनका आहार ज़्यादा है। अगर बहुत थोड़ा खिलाएंगे तो ये उदाहरण इसी बात हो जाएगी जैसे कोई व्यक्ति किसी को रोज़
रसगुल्ले का रसा चटा दे और गायब हो जाए तो बहुत क्रोधित होगा ना, उसको तो कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे ही गाय को खिलाइए, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए और सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। तो ये थी आज की काम की बात। इसी के साथ ही साथ राशिफल हमने आपका बताया और जाना हमने गाय के महत्व के बारे में भी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। जय गणपति। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके राशिफल के साथ। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।